हाय, हेलो, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं बनाने जा रही हूँ एक स्वीट डिश जो कि बनता है कस्टर्ड पाउडर से, और जिसमें हम लेने जा रहे हैं 1 कप कस्टर्ड पाउडर। दो कप पानी, इसमें इसे अच्छी तरह से मिला ले। जिसमें कि बिल्कुल लम्स ना रहे। कस्टर्ड बैठ जाता है नीचे, इसलिए इसको बार बार मिलाते रहे। इसको एक जगह रखें। 1 कप पानी, दो कप चीनी, चीनी को अच्छी तरह से पिघलने दीजिए। इसके लिए हमें कोई चांचनी बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक बार अच्छी तरह से मिला ले। चीनी पूरा पिघल चुकी है और धीमी आंच पर कस्टर्ड का घोल डालें। धीरे धीरे चलाते रहें, डालते रहें। इसको आहिस्ता आहिस्ता चलाते रहें। देखिए कस्टर्ड धीरे धीरे गाढ़ी होने जा रही है। और इसे तब तक चलाएं जब तक ये पूरा ट्रांसपेरेंट ना हो जाए, मोटी गाढ़ी हो जाएगी। इतना याद रखें कि इसमें लम्स ना आ जाएं, चलाते रहें। अब इसमें 2 स्पून घी डालें।
फिर अच्छी तरह मिलाएं। फिर इस पे 2 स्पून घी डालें। और एक बार फिर से मिलाएं। आप देखेंगे कि ये धीरे धीरे पूरा ट्रांसपेरेंट बन रहा है। एकदम गाढ़ी बन गई। फिर एक बार 2 चम्मच घी डालें। और अच्छी तरह से मिलाएं। बस अब गैस ऑफ कर दें। ट्रे जो कि अच्छी तरह से ग्रीस कर दे। इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल दे। इसके बाद ये इस पर अच्छी तरह से स्प्रेड कर दें। इवनली स्प्रेड करें। जब तक ये ठंडा ना हो जाए इसे ऐसे ही रखें। ठंडा होने के बाद इसको पीसेस में काटें और उसके बाद सर्व करें। और अब आप इसे सर्व करें। धन्यवाद मेरे चैनल को देखने के लिए। और आप इसे ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करें। थैंक यू।